उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। ईटीवी भारत अपनी चौपालों के माध्यम से जनता की राय जान रही है, दावों की पोल खोल रही है कि कितना विकास नेताओं ने किया, विकास की गंगा बही या नहीं। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। इस गांव में सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक पाया जाता है और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या रहे यहाँ के दावे और कितने रहे वादे। चाचा आपसे पूछेंगे, आप बता चुके हैं आप बहुत बुजुर्ग आदमी हो इस गांव के, चुनाव पहले भी आपने कई साल पहले चुनाव देखा होगा, अब चुनाव देखा है, कितना बदलाव आया है चुनाव में? नहीं जो आप जो ठीक कही जो इन्हें कही के अब जिनको मदद करे आबे करे तो हम उसके लाने तक जा रहे हैं। कैसी मदद चाहते हो आप? अब जो हमारा ऊरे पड़ गया, हमारा चौपट होगा वो उस साइड के पूरा हैं, जो हमारा मदद करे अबे किसी काट है वो माफ करे, सब करे, हम उसी के लाने दें वोट। तो अभी पिछली बार भी ओले पड़े थे, तब मदद की थी किसी ने? किसी ने नहीं की, कब ने कुछ नहीं किया है हमारे संग। जब ओले पड़े और हमारे बिल्कुल पीछे बिल्कुल उस साइड से पूरे लाल सिंह के तरह पूरे साफ होगा, वो 400-400 वो साफ होगा। अब वो मदद कर बे, आज हम उसके लाने तैयार हैं, चार वोट हम तैयार हैं, सपा हुए और चाहे BSE को हुए तो वो आज मदद कर उसके लाने हम तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं ये फसल है, ये देखो आप, ये फसल ओलों से नुकसान हुआ है इसका, आप देख सकते हैं कैसे फसल यहाँ की गिरी पड़ी है। ये जो क्षेत्र है पूरा कृषि पर आधारित है, यहाँ के लोग सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम और लोगों से बात करेंगे, कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद। भैया आपका वोटर लिस्ट में नाम आया क्या इस बार? हाँ आया। कितनी बार वोट डाल चुके हैं, पहली बार डालोगे? हम करीबन 6 बार वोट डाल चुके हैं। क्या काम करते हो आप? हम पल्लीदार करते हैं। रोजगार कुछ नहीं है क्षेत्र में? नहीं, कोई रोजगार नहीं है यार, मजदूर आदमी है सारा पूरा मर रहा है, कौन कुछ कर रहा है यहाँ। यहाँ गंदगी डरी पूरी, देखो यहाँ मेरा घर है यहाँ बगल में, ना कोई प्रधान सुनता है ना कोई सुनता है यहाँ, किसी से कहेंगे कि कर दो तो वो करने कोई नहीं आता है यहाँ, ना कोई कर्मचारी आएगा यहाँ का, ना कोई मुझे जमादार आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे ही मचे हैं यहाँ पर। रोजगार की बात बताओ, कोई रोजगार है यहाँ पर काम का? कोई नहीं है रोजगार है यहाँ, किसी की 2 बीघा ज़मीन है, किसकी 1 बीघा है, किसी की 4 बीघा है, किसी की 50 बीघा है, कहाँ से आएगा वो, 1 बीघा में क्या कर लेगा? चुनाव आ गए, मौसम आ गया, चुनाव का नेता वोट मांगने आ रहे होंगे, आ रहे हैं लोग आपके? हमारे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। आएगा तो क्या जवाब दोगे आप उसको? तो यही देंगे कि जो हमारा करेगा उसी को वोट दूंगा। रोजगार की बड़ी समस्या है यहाँ पे, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या हाल। चाची राम राम। चाची क्या समस्या है, चूंकि आप घर में रहती हो, पानी की भी परेशानी होती है, पानी का इस्तेमाल? परेशानी है सो जी, पानी से ओरे गिरे हैं तो देखो सब नुकसान हो गया, फसल कुछ नहीं है, छोटे छोटे हमारे तो बच्चे हैं, 4 लड़कियां 1 लड़का है, मजदूर आदमी है, जो मजदूरी लग जाती है तो कमा लेते खा लेते हैं। महंगाई है तो तेल है, नॉनवेज हर चीज़ महंगाई है कि कहाँ से ले आएंगे? कुछ सरकार हमको सुविधा नहीं कर रही, जो हमारी सुविधा करेगा उसको हम वोट देंगे, हमकी सुविधा नहीं करेगा। सिलेंडर है तो इतना महंगा है कि मजदूर आदमी कहाँ सिलेंडर भराएंगे? जो है अब ईंधन कूड़ा जो मोल लेते हैं लकड़ियाँ, तो कहाँ से खाना खरीदेंगे या तेल पानी लेंगे या नाच पानी ले क्या लेंगे? मजदूरी लगती नहीं है, घर बैठे ना कोई किसी की नौकरी ना चाकरी, सब मजदूर आदमी हैं घर से। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, तो थोड़ी एक तो है नहीं यहाँ गाँव, 17 गाँव का हमने कहाँ किया उन्होंने सुविधा, लेकिन हमारे गाँव में तो कोई सुविधा नहीं है। क्या मन मनाया इस बार किसको वोट देने जा रहे हो आप लोग? जो हमारी सुविधा करेगा उसको वोट देंगे, बस जो सुविधा करेगा उसको वोट देंगे। चाची हैं, चाची बताओ पानी की कितनी परेशानी है यहाँ पे? सबके ये कई तो मोहल्ला के आदमी हैं, सबका पानी की परेशानी है, गैस नन्ना मोदी ने गैस बांटे तो फिर 1000 को कायदा सिलेंडर, 200 रुपया किलो तेल कायदा है, और जो अब फसल है सो फसल में वो ले पाएगा, लाइट नन्ना, पानी नन्ना, कुछ नन्ना, मजदूरी वाला आदमी हमारा तो पेंशन आदमी खत्म होगा, सो पेंशन तक नहीं बनवा, बड़ बड़े आदमी धरला सबके लाल काट, हम मन के तो पीली काट है, वो 5 किलो नाद दे कोटा पे का दिया है कछू नहीं दिया है, और जो को हमें समझा सो हम तेरा अखिलेश का वोट दे, अखिलेश का दे वोट, हम इस समस्या करें हम अखिलेश का वोट दे। नहीं तो आप अखिलेश यादव को क्यों वोट देगी, उनकी भी जो सरकार रहेगी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमारी करे मोदी का है तो मोदी का नहीं, अखिलेश का है तो अखिलेश का, अखिलेश ने हमारे पहले 500 रुपया बांटे थे, अब इन मोदी ने तो 500 काटा ही दाए कछ भी नहीं दा।
अखिलेश यादव की यहाँ पे बात आ रही है, उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी 500 रुपए उन्होंने दिए थे, ये नहीं बताया किस चीज़ के दिए थे, लेकिन मोदी ने उसको काट दिया। भाई साहब चुनाव आ रहा है, नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं, क्या विचार बनाया है आपने, किसको वोट दोगे आप? जो हमारी सहायता करेगी उसको वोट देंगे। किस तरीके की सहायता चाहते हो आप? सहायता सब सुविधा चाहते हैं, क्या है रोड पर देखा पूरा रोड तो खुद गया, इतना लाइट नहीं है, सब परेशान होते क्वाले डाल डाल के, क्या करेंगे बता, परेशान रहते हैं। आपके लाइट नहीं है? लाइट आती है तो परेशान होते हैं, डोरी काट देते हैं, लंबी डोरी डालते हैं तो वहाँ पे परेशान करते हैं, कट जाती है फ्री बिल। बिजली बिल की भी समस्या आ रही है, चाची बताओ क्या परेशानी है? कहते कि फ्री है कि लाइट वो बिल रोज 8 रोज बिल लगाए। अच्छा अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगर बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर बिजली वो फ्री करेंगे 300 यूनिट, तो क्या लग रहा है आपको जो उन्होंने वादा किया पूरा कर पाएंगे वो? सब कर देंगे, अब जनता समझे सो कह दे। अखिलेश यादव की बिजली वाली जो घोषणा थी उसका प्रभाव यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, प्रधान जी, प्रधान जी कह रहे हैं नहीं हमसे बात मत करो। और चाचा, चलो चाचा आप थोड़ी सी नेतागिरी की बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है माहौल यहाँ पे? माहौल तो बहुत बेकार है, देखो बहुत ही बेकार है माहौल, इसलिए बेकार है कि कोई सुनता नहीं है। आज जो है आप आए हैं तो आप जो है कोई भाषण मतलब मैं कोई कह के जा रहा है कि हम ये काम कराएंगे, लेकिन वो काम होता नहीं है, ना किसी ने कराया है आज तक। महंगाई इतनी बढ़ रही है हर बात से कि जो है आदमी जो मजदूर है वो तो बिल्कुल ही परास्त ही है, मजदूर आदमी बिल्कुल परास्त है, इसलिए परास्त है कि ना तो रोजगार कौन है भाई, रोजगार कौन होवे या सरकारी होवे या कौन होवे, रोजगार होवे तो वह जो है आगे बढ़ जाए। मजदूर आदमी को खाने को नहीं है, वो कहोगे आज कहो बानिया के पास में जाए कि भैया हम बच्चन को भूखे हैं, बच्चन को हमें इनको आज दे दो, हम तुम्हारी मजदूरी करके दे दें, वो कहता नहीं पैसा नंगा दूंगा तो ले आइए, नहीं हो तो जाइए, ये बात है। अच्छा क्षेत्र में रोजगार की क्या परेशानी है, कोई रोजगार रोजगार यहाँ पे युवा लोगों के लिए या सब ऐसे घूमते हैं? नहीं कोई रोजगार नहीं है, मजदूरी करने के लिए बाहर निकलते हैं आदमी जब करके खा पाते हैं, इतना कोई रोजगार नहीं है, ना कोई सरकारी काम मिल रहा है, ना कोई सरकारी लगा रहा काम, ना लगते हैं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुना था, तो क्या रहा उनके 5 साल इस बीच वो दिखाई दिए, कोई क्या काम कोई दिखाई यहाँ तक आया तक नहीं, 5 साल है पूरी हो चुकी है कोई आया नहीं यहाँ तक कि कोई किसी जनता की कुछ पूछें जाके कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है, जनता परेशान हो रही है या क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, कोई जब आए ही नहीं तो क्या पूछेगा। झांसी जनपद की 4 सीटें हैं, चारों सीटों में हमने चौपाल की, लोगों से यही सुनने को मिला कि जो विधायक हैं जिस प्रतिनिधि को इन्होंने चुना था वो दिखाई नहीं दिए, हर जगह से यही आवाज़ जनता की सुनाई दी कि विधायक जी लापता हैं। इस क्षेत्र की जो बेसिक समस्या है वो पानी की समस्या है, ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, इंतजार कर रहे हैं ये लोग कि इनको कुछ सहायता मिलेगी। लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने किया तो बहुत है लेकिन हमारे गाँव के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव की योजनाओं पर खुश हैं, बिजली के लिए जो उन्होंने मुद्दा उठाया था कि बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे उसको लेकर ये लोग वोट डालने जा रहे हैं। देखते रहिए ईटीवी भारत।